जिस दिन से सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया है, आप उस दिन से यूडीसी के रिगार्डिंग लिख रहे हो कि सर यूडीसी के रिगार्डिंग बता दीजिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। इस वीडियो में जिनको भी सीजीएल 2020 से यूडीसी की पोस्ट मिली हुई है किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, उनके आगे का प्रोसेस हम जानेंगे। खासकर हम स्टेट के बारे में खासकर बात करेंगे। बड़े परेशान हैं लोग, टेलीग्राम पर मैसेज कर रखे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, कौन सा लोकेशन कहाँ पर क्या मिल सकता है। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपना ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लिया होगा, और अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप जिससे आप कनेक्टेड रहो, आगे के प्रोसेस के लिए सब लोग जुड़ के रहो। देखो अभी मैं आपको एक अलर्ट जारी करता हूँ, या एक आप थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, आपको यूडीसी मिला हुआ है। कल सीएजी ने अपना और टैक्स असिस्टेंट का, मतलब इनकम टैक्स ने आपका स्टेट एलोकेशन का फॉर्म रिलीज़ किया है। रिजल्ट आने के 3 दिन के अंदर ये सबसे जल्दी प्रोसेस है। आपको पता है कि मिशन मोड चल रहा है, ये उसी का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, तो प्रोसेस फास्ट देखने को मिलेगी इस बार ज्वाइनिंग में भी आपको। कैंडिडेट 2022 की प्रिपरेशन में लगे हुए, वैकेंसी अच्छी दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा सा अपने ग्रुप में डेली एक्टिवेट, मतलब एक्टिव रहिएगा, देखिएगा क्या चल रहा है। शाम तो एक बार या फिर दोपहर में कभी भी एक बार आप ग्रुप में ज़रूर एक्टिव रहिएगा। जो लोग परेशान है इसको लेकर के, सर अभी मेंस हमारा है, क्योंकि प्री तो निकल जाएगा सीजीएल 22 का, मेंस अटक सकता है। देखो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, 3 से 6 महीने का टाइम रहता है। एक्सटेंशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है जॉब पर, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा जल्दी ही आपके लिए, लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। आगे बढ़ने से पहले देखो चैनल पर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है चैनल को, और ख़ासकर अब मैं कोशिश करूँगा कि आप जितने भी यूडीसी लोग सुन रहे होंगे, लंबे टाइम से आप मुझसे जुड़े हुए हो, जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हो अच्छी बात है, लेकिन आप जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। YouTube पर अगर चैनल्स को आपको लोगों तक सबको पहुंचाना है तो सब्सक्राइबर की संख्या बहुत मैटर करती है, तो इसमें आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो आप प्लीज़ एक बार लाइक का बटन भी दबा रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड देन उसके बाद आप वीडियोस को आप आगे देखिएगा। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, देखो ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ये ऑलमोस्ट हर एक यूडीसी के लिए सेम रहने वाली है, तो एक बार आप स्टार्टिंग से पहली बार देख लीजिए क्या है ये लाइन। आपका जो एसएससी है, जब आप डीवी कराने गए थे तो आपका एक फ़ाइल तैयार होता है वहाँ पर, उसको डोजियर कहा जाता है, और ये जो डोजियर आपकी है ये हर अलग अलग रीजन, आपका डीवी अलग अलग रीजन में होता है, एनआर वालों का अलग, सीआर का अलग, डब्ल्यूआर का अलग होता है, वेस्टर्न रीजन का अलग होता है, साउदर्न रीजन का अलग होता है। ये आपका जो अलग अलग डिवीज़न है या अलग अलग जोन है वो आपके डिपार्टमेंट को जो डोजियर भेजेंगे उसमें साइम, मतलब समय की बात करें तो 1 से 1.5 महीना लग जाता है। जैसे ही आपकी मिनिस्ट्री को आपका डोजियर रिसीव होगा तो वो आपका एलोकेशन स्टार्ट कर देता है कि कौन सी जगह आपको भेजना है। एलोकेशन की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रैंडम बेसिस पर होता है। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहता है कि हम रैंक भी देखते हैं, सब कुछ देखते, लेकिन जनरली देखा गया जो पिछले 18 की 19 की बात अगर हम करें तो रैंडम ही एलोकेशन मिला है। अच्छा आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली क्या होता है, दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, साथ में मेडिकल करवा के लेके जाना होता है, तो वो आपको या तो ईमेल के थ्रू, ईमेल कौन सा जो आपने एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लिखा हुआ है, या बाय पोस्ट, दोनों के थ्रू भी किया जाता है कई बार, या बाय पोस्ट भी किया जाता है, केवल आपको आपके करस्पोंडेंस एड्रेस पर जो आपने डीवी के टाइम पर लिखा हुआ होता है वहाँ पर, उस पर आपको भेजते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आपको नहीं बताते हैं कि आपको कौन सा ऑफिस या कौन सी जगह दी गई है। जब अटेस्टेशन आपका ओके हो जाता है देन उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजी जाती है, फिर बताया जाता है कि आपको ये जगह मिला है, यहाँ आपको जाकर ज्वाइन करना है। समय की बात कर, देखो मिशन मोड एक्टिव है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप एक्टिव रहिएगा अपने ग्रुप के अंदर। मिनिस्ट्री बहुत फास्ट रहती है ज्वाइनिंग के मामले में, 2 से 3 महीने फिर भी आप आइडियल टाइम रहता है हर बार का। इस बार जिस तरह से फास्ट है तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कि मिनिस्ट्री ने लिस्ट निकाल ली हो एसएससी के रिज़ल्ट आने के बाद, राइट। तो आप इसके लिए मैं आपको कहूँगा एक बार आप स्टेट वाइज वैकेंसी पर नज़र मार लीजिए, आपको गोल्डन बुक मिली होगी, गोल्डन बुक में आपको ये मिला होगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा, साफ नहीं दिख रहा होगा तो गोल्डन, अच्छा गोल्डन बुक लोग नहीं जान रहे होंगे, स्टेट वाइज वैकेंसी का एक बुक लिखा गया था मेरे द्वारा, जो पोस्ट प्रेफरेंस में शेयर किया गया था। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे ज्वाइन करके मुझसे मांग लोगे तो मिल जाएगा, तो आपको कोई वो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं यूडीसी इन एमएसएमई की बात कर ले, तो जो मैंने प्रोसीजर भी बोला सभी के लिए सेम रहने वाला है।
इसका अगर हम एलोकेशन की बात करें तो बिल्कुल रैंडम ही होगा इसका भी एलोकेशन आपका, ठीक है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज या RTI देख लीजिए। देखो एलोकेशन UDC करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे कि फीमेल को स्टेट प्रेफरेंस दी जाए, PH कैंडिडेट है तो उनको दिया जाए, और अगर नहीं भी है तो भी हम कोशिश मतलब UDC कोशिश करती है कि जिनके पास या नियर टू स्टेट रखने की कोशिश की जाए उनको। तो एनिमल एंड हस्बेंड्री का आप देख सकते हो यहाँ पर RTI स्टेट वाइज है, आप लगा लीजिए अंदाजे 5 वैकेंसी थी, पंजाब में एक है, वेस्ट बंगाल में एक है, तमिलनाडु में एक है, हरियाणा में एक है, राजस्थान में एक है आपका। बात कर लेते हैं वाटर के लिए, वाटर के लिए भी सेम प्रोसीजर, सभी UDC के लिए प्रोसीजर सेम है, लेकिन मैं कुछ अगर एक आदमी अलग होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा उसके बारे में। अगर हम लोकेशन की बात कर ले वाटर की, तो वाटर की लोकेशन पुणे में आने वाली है आपकी, राइट, महाराष्ट्र के। तो जो लोग महाराष्ट्र से हो या पुणे के हो आपके लिए बेटर रहने वाला है ये पोस्ट। बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोसीजर आपका सेम रहने वाला है, प्रोसीजर सेम रहेगा। और अगर हम लोकेशन की बात करें, देखो ये जो स्टेट वाइज RTI मैंने लिखी है यहाँ पर, इसका जो RTI का रिप्लाई भेजा गया था बाई पोस्ट भेजा गया था मुझे, आप परेशान ना होइए इसको लेकर के श्योरिटी के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में मिला था मुझे, जरूरत पड़ी नहीं, मैंने आपको लिख के टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, आप इसी के थ्रू जा सकते हो। आपको लग रहा हो तो आप RTI फाइल कर सकते हो, बाकी भरोसा आपके ऊपर करने का है, ठीक है। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, प्रोसीजर सेम रहने वाला, डोजियर भेजेगी आपके पास, पहुंच जाएगी मिनिस्ट्री के पास, एलोकेट करेंगे, देन आपका वो आगे का प्रोसीजर करेंगे। बात कर लेते हैं कहाँ मिलता है। देखो टेक्सटाइल के अंदर जो पीछे ज्वाइनिंग देखी गई है उस पर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के चांसेस हाई रहते हैं आपके, राइट। तो इस बार हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसी के हिसाब से, बाकी क्या लोकेशन रहने वाली है, ज्वाइनिंग आएगी तो क्लियर हो पाएगा। अभी RTI कोई इसका शेयर नहीं मतलब मिल नहीं पाए RTI, और मिनिस्ट्री में भी आप कॉल कर करने की कोशिश करोगे टेक्सटाइल में तो आपको शायद ही किसी पर बात हो पाएगी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है इसको लेकर के। अगर हम डिफेंस स्टेट की बात कर लें, DGT रक्षा संपदा की बात कर लें, तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी। देखो डिफेंस का आपका इसमें अलग अलग कमांड होते हैं, जैसे आपने CGDA में सुना होगा, इसी तरह इसके अलग अलग कमांड जहां पर आर्मी के हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पर डिफेंस स्टेट बनाया जाता है। डिफेंस स्टेट रक्षा संपदा जो होता है वो लैंड से, ज़मीन से रिलेटेड डीलिंग करता है आपका, जो कैंटोनमेंट एरिया के अंदर लैंड वगैरह ज़मीन से रिलेटेड, तो वो कुछ है आपका काम, आप जाओगे इतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। बात अगर हम लोकेशन की कर ले तो पिछले जो पोस्टिंग देखने को मिली है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और लोकेशन की बात करें जो पीछे आए हुए हैं उसमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, श्रीनगर मिला है पोस्टिंग, हेडक्वार्टर में भी रहा है दो लोगों का, दिल्ली में भी रहा है पोस्टिंग, लखनऊ में भी पोस्टिंग आपकी है आपकी, लेकिन कहाँ देंगे वो उनके पास रहता है, हेडक्वार्टर के पास पावर है, मेल आता है। देखो जनरली डिफेंस स्टेट के अंदर मेल आपको रिसीव होगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की बात कर ले मिट्टी की, तो आपकी देखो ASO और UDC की जो पोस्ट है, अच्छा प्रोसेस सेम रहने वाला आपका है। तो अगर हम लोकेशन की बात कर लें तो आपका जो ASO है और UDC दोनों की पोस्ट इसमें रहती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन जो आपका CGO कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है वहाँ पोस्टिंग रहने वाली है। मिट्टी का जो देखो अगर ऑल इंडिया की बात करें तो एक ही ऑफिस है दिल्ली वाला, बाकी उसके अंदर उससे अटैच सब्सिडरीज जैसे CDAC हो गया आपका, फिर उसके अलावा NIC हो गया आपका, जिनकी सेपरेट वैकेंसी आप देखने को मिलता है। जैसे अगर आप इस बार का LDC देखोगे तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर अलग से वैकेंसी उसकी आई हुई है, राइट। तो ये चीज़ें आप एक बार देखने को आपको ये मिल सकता है। बात करते हैं हम अगर UDC नार्कोटिक्स का, देखो जिनको नार्कोटिक्स मिला हुआ है प्रोसीजर सेम रहने वाला है। और अगर हम बात करें CGL 18 या 19 पीछे वाले ज्वाइनिंग में, तो जो ज्वाइनिंग देखने को मिली है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के में कुछ लोगों ने कमेंट करा है, दिल्ली का मुझे अभी श्योर याद नहीं, क्योंकि देखो जब ये स्टेट वाइज नहीं मिलता है तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जब उनको लोकेशन मिलता है तब वो मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन मुझे इनका तो याद है, मध्य प्रदेश का और UP का याद है, दिल्ली का तो श्योर नहीं हूँ, पंजाब का भी मतलब 100% नहीं कह सकता मैं आपको। तो आप ये लोकेशन को लेकर देख सकते हो, बाकी आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, कैंडिडेट कॉल करेंगे मिनिस्ट्री के अंदर और पता करेंगे स्टेटस क्या है, तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, लो ग्रेड पे की जॉब है, आपको भी पता है कि ये एक बैकअप पोस्ट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये एक बैकअप पोस्ट है आपके पास, आपको 4200-4600 लेना ही पड़ेगा, आप जब ज्वाइन करोगे आपको पहले ही महीने समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा दिमाग इधर खर्चा ना करिए इन सब चीज़ों पर, और आप अपना प्रिपरेशन वाकई कंटिन्यू रखिएगा 22 के लिए, और ट्राई करिए कि अच्छा ग्रेड पे मिले, क्योंकि ये सब पोस्टें आपका बस ये रहता है कि एक सेफ जोन में आपको डालता है, लेकिन आप सेफ जोन से काम नहीं चलता, आपकी चीज़ें बदलती हैं, एक्सपेक्टेशन आपके जो होते हैं वो बढ़ते हैं बदलते हैं। तो इस हिसाब से आप 4200-4200 के लिए रहिए, उदास मत रहिए कि मेरे को जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे लिखिए आप कमेंट में, बताइए कौन सा UDC मिला आपको, और सब्सक्राइब यार जरूर करके रखिएगा आप।